हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इफ डिटरमिनेंट ए बी सी सेकंड रो इज एल एम एल एंड थर्ड रो इज पी क्यू आर इक्वल टू टू, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट 6a 3b 15c 12 एम एन 2 एल एम 5 एन एंड थर्ड रो इज 2 पी क्यू 5 आर। तो हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए, और ये जो डिटरमिनेंट हमें गिवन है ए बी सी एल एम एन पी क्यू आर किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। ऑप्शन ए बी सी डी आर गिवन है, हमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो वैल्यू हमें किस डिटरमिनेंट की चाहिए, गिवन पहले देख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन दैट डिटरमिनेंट ए बी सी एल एम एन पी क्यू आर किसके इक्वल है हमारा, 2 के इक्वल। तो नाउ वैल्यू हमें किसकी चाहिए, डिटरमिनेंट 6a 3b 15c 2l m 5n 2pq 5r, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसमें हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट के अंदर से जो हमारा फर्स्ट कॉलम है इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को बाहर ले आएंगे, और जो हमारा थर्ड कॉलम है इसमें से हम क्या करेंगे, 5 को बाहर ले आएंगे, 5 को कॉमन ले आएंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इज इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम में से हमने 2 को बाहर लिया, थर्ड कॉलम में से हमने किसको लिया, 5 को बाहर लिया। अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, फर्स्ट कॉलम में 3a l p और सेकंड कॉलम हमारा आ जाएगा 3b m q, और सेकंड कॉलम तो आ गया हमारा 3b m q, और थर्ड कॉलम क्या आ जाएगा हमारा, 5 बाहर ले रहे हैं यहां से, तो यहां पर बचेगा हमारा 3c n r। ये हमारे पास डिटरमिनेंट बच गया। अब फर्स्ट रो में से हम 3 कॉमन आ रहा है तो 3 को बाहर ले आएंगे, तो 5 2 10 इंटू में क्या आ जाएगा, 3, और अंदर डिटरमिनेंट के क्या बच जाएगा, ए बी सी एल एम एन पी क्यू आर। और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 2 गिवन है, तो 32 जो कितना जाएगा हमारा 60। तो फाइनल इसका आंसर हमारा कितना आया, 60। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।